सुशील कुमार की विकिपीडिया पेज पर जाएं तो आपको नजर आता था कि कैसे दक्षिण पश्चिम दिल्ली के बापरौला गांव से ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ गेम्स और वर्ल्ड चैंपियन के पोडियम तक का सफर उन्होंने तय किया। ये कहानी काफ़ी रोमांचक थी, एक प्रेरणादायी कहानी। हालांकि इसमें एक अपडेट हुआ है, ऐसा अपडेट जिसे कोई भी खेल प्रेमी नहीं देखना चाहेगा। किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा होगा, कुछ सुशील ने भी नहीं। इस पर लिखा है 23 मई 2021 को सुशील को 23 वर्षीय पहलवान सागर धनखड़ के निधन मामले में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। और सुशील जो दुनिया भर के पहलवानों को पटखनी दे रहा था, हवालात में उसकी पहली रात रोते रोते बीती। सुशील को करीब से जानने वाले यही कहते हैं कि ये पहलवान काफ़ी मिलनसार था। वो एक आज्ञाकारी बेटा था और एक ध्यान रखने वाला भाई, एक प्यार करने वाला पति था और एक बहुत ज़्यादा जान लुटाने वाला पिता, एक ईमानदार दोस्त था जो कई बार अपने दोस्तों की मदद करने के लिए लीक से हटकर भी मदद करता था। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो सुशील के कथित रूप से अन्य काम धंधों के बारे में जानते होंगे। वो इस राय से इत्तेफाक नहीं रखते, उन्हें इस दिन का डर था और जो कुछ हुआ उससे उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई। एक पूर्व राष्ट्रीय कोच जिसने सुशील के साथ बीजिंग ओलंपिक के दौरान से ही काफ़ी करीबी से काम किया, उन्होंने 3 साल के अंतर के बाद 2017 में सुशील की वापसी में अहम भूमिका निभाई। उनका कहना था, आम लोगों और उभरते हुए पहलवानों और अन्य खेलों की ट्रेनिंग करने वालों के लिए छत्रसाल स्टेडियम हमेशा से खेल गतिविधियों के लिए पवित्र स्थान माना जाता रहा है। उभरते हुए एथलीट स्टेडियम को हमेशा से एक बड़ा स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन समझते रहे हैं। हालांकि इसका एक सिया पहलू भी है, इस छत्रसाल स्टेडियम में बिन बुलाए मेहमान, जिनमें से कोई भी खेल से संबंधित नहीं था, वो लोग अक्सर स्टेडियम परिसर में आया करते थे और उससे मैदान के बाहर के बिजनेस के बारे में चर्चा किया करते। सुशील के बेहद करीबी ही इस चर्चा का हिस्सा हुआ करते। आरोप है कि सुशील का बाहरी दिल्ली और पड़ोसी राज्यों हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर्स पर टोल प्लाजा कलेक्शन का बिजनेस था। इसके अलावा उत्तर और उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक बड़े भारतीय FMCG ब्रांड के आयुर्वेद स्टोर से भी सुशील जुड़ा हुआ था। इसके साथ ही उसके करीबी रियल एस्टेट, बैड लोन की रिकवरी और प्रॉपर्टी खाली करवाने के बिजनेस में थे। रेसलिंग में बड़ा नाम कमाने में असफल रहने वाले पहलवानों को भी कथित रूप से टोल प्लाजा पर जॉब दी जाती। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अब सुशील और करीबी गैंगस्टर नीरज बवाना और उसके दुश्मन कहे जाने वाले भगौड़ा करार, काला जठेड़ी के रिश्तों को खंगाल रही है। यह आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। सुशील की जिंदगी 2014 से पहले इतनी पेचीदा नहीं थी। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने अपना दूसरा गोल्ड मेडल जीता। इससे पहले 2010 दिल्ली में उन्होंने अपना पहला CWG गोल्ड जीता था और इसके बाद 2018 में गोल्ड कोस्ट में भी सुशील ने सोने का तमगा हासिल किया था। 1998 में वर्ल्ड कैडेट गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने के बाद से सुशील को कुश्ती की दुनिया में बड़ा नाम समझा जाने लगा था। सुशील ने 14 साल की उम्र में छत्रसाल स्टेडियम में कुश्ती के लिए दाखिला लिया। साल 1982 में सुशील ने एशियाड के गोल्ड मेडलिस्ट महाबली सतपाल से ट्रेनिंग लेनी शुरू की, जिनकी बेटी से बाद में सुशील की शादी भी हुई थी। सुशील ने धीरे धीरे कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ी। 2003 से 2008 के बीच कॉमनवेल्थ गेम और एशियन चैंपियनशिप में मेडल जीते। 2006 में जब 66 किलोग्राम भार वर्ग में दोहा एशियन गेम्स में सुशील ब्रॉन्ज मेडल जीता, वो भारतीय कुश्ती जगत में बड़ा नाम बन चुके थे। हालांकि 2008 का साल बड़ी तब्दीली लेकर आया। इस साल सुशील ने बीजिंग ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता। 56 साल में पहली बार रेसलिंग में मेडल जीतने वाले वो भारतीय पहलवान बने। इससे पहले KD जाधव ने 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 2010 में मास्को में वर्ल्ड चैंपियनशिप में सुशील ने गोल्ड मेडल जीता। इससे पहले भारत के किसी पहलवान ने ये उपलब्धि हासिल नहीं की थी। 2 साल सुशील ने लंदन ओलंपिक में बीजिंग के प्रदर्शन को सुधारा, यहाँ उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। सुशील का पेट ठीक नहीं था, इसके बावजूद चांदी का तमगा हासिल करना एक बड़ी कामयाबी थी। ओलंपिक में 2 निजी पदक हासिल करने वाले सुशील पहले भारतीय बने। भारतीय खेल के पोस्टर बॉय बन चुके थे सुशील। कई पहलवानों ने सुशील से प्रेरणा ली। टोक्यो ओलंपिक में जाने वाले पहलवानों में से 3, रवि दहिया, बजरंग पूनिया और दीपक पूनिया, सभी छत्रसाल स्टेडियम से ही निकले हैं। अंतर्राष्ट्रीय करियर में कामयाबों के चलते सुशील को सरकार ने कई इनाम दिए, कई
स्पॉन्सर भी मिले। नॉर्दर्न रेलवे स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने 2013 में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पद पर नौकरी दी। बाद में सुशील को डेप्यूटेशन पर दिल्ली सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी में छत्रसाल लाया गया। यहां से सुशील की प्राथमिकताएं बदलने लगी। ऐसे बिजनेस में उसका नाम आने लगा जिन्हें साफ तो नहीं कहा जा सकता। स्टेडियम अब सुशील का साम्राज्य बन गया था, जहां वो अपने जॉर्जियाई कोच व्लादिमीर मेस्ताविरिशविली के अंडर अपने साथियों के साथ ट्रेनिंग करता, साथ ही साथ अपने बेहद करीबियों के जरिए अपने बिजनेस भी बढ़ाए रखता। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद सुशील ने मुकाबले चुनने शुरू कर दिए, इसी वजह से इंचोन एशियाड में भाग नहीं लिया। सुशील और नरसिंह यादव के बीच 2016 के रियो ओलंपिक से पहले हुए विवाद को कौन भूल सकता है। इसके बाद हुए डॉप विवाद ने मामले को और तूल दिया। इस विवाद ने देश में कुश्ती के समाज को हमेशा के लिए दो हिस्सों में बांट दिया। यहां तक कि सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त भी एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे। नरसिंह के बाद प्रवीण राणा के साथ सुशील का विवाद हुआ। राणा ने आरोप लगाया कि सुशील ने अपने स्पोर्ट से उन्हें और उनके भाइयों को पिटवाया। ये एक गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ ओलंपिक से पहले इंदिरा गांधी स्टेडियम में ट्रायल के दौरान की घटना है। सुशील पर मारपीट की FIR भी दर्ज हुई। सुशील का कुश्ती के साथ मोहभंग का एक नज़ारा तब नजर आया जब 2018 के जकार्ता एशियाई खेलों के पहले ही राउंड में उन्हें हार मिली। एक साल बाद नूर सुल्तान में वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो टोक्यो ओलंपिक का क्वालिफायर भी था, में भी पहले राउंड में ही सुशील हार हो गए। उसके बाद से वो कुश्ती के अखाड़े में नहीं है। 2016 से 2020 के दौरान स्कूल गेम्स फेडरेशन के अध्यक्ष के तौर पर सुशील ने काम में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। शहर के एक फुटबॉलर की निधन के मामले को गलत तरीके से हैंडल करने पर फेडरेशन की काफी आलोचना हुई। नितिशा नेगी की पैसिफिक स्कूल गेम्स के दौरान एडिलेड में निधन हो गया था। इसके बाद फेडरेशन की मान्यता रद्द कर दी गई थी। ऐसा लगता है कि मौजूदा विवाद सुशील के दो दशक लंबे रेसलिंग करियर का पूर्ण विराम लगा सकता है। सभी चाहने वालों के लिए सुशील का तौलिए के पीछे छुपा चेहरा दिल दुखाने वाला है। पहलवान ने लॉकअप में अपनी पहली रात रोते हुए काटी थी। ये वक्त भी बताएगा कि खेल प्रेमी सुशील को कैसे याद करेंगे, एक बड़ा खिलाड़ी या एक जेल गया अपराधी।